Hello students, in the previous lecture we discussed the questions based on unitary method and today we are going to discuss some miscellaneous problems. So students, let us see the first question. The question is, the shadow of a 3 meter long stick is 4 meter long. At the same time of the day, if the shadow of a flagstaff is 24 meter long, then how tall is the flagstaff? The question is given that there is a stick 4 meter long and the shadow of that stick is 3 meter. After that, the question is saying that at the same time of the day, if the shadow of a flagstaff is 24 meter, then you have to find the length of flagstaff. So students, इस question को आप कैसे करोगे बेटा? Proportion का method apply करोगे. पहले आपको दिया है क्या? Length दिया है और shadow दिया है. फिर सेकेंड स्टेटमेंट में आपको शैडो दिया है और लेंथ नहीं दिया है. तो अगर हमको 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज पता है, एक नहीं गिवन है, तो हम उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं. देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. वी विल राइट द सॉल्यूशन. लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉफ इज एक्स, सारी यूनिट्स मीटर में, तो इसको मीटर मान लीजिए. ये एक्स मीटर हो गया. नाउ वी विल राइट दैट शैडो रेशियो विथ लेंथ. ये प्रोपोर्शन में होगा, शैडो रेशियो लेंथ. देखिए जो फर्स्ट वाली शैडो है वो कितनी है? 4 मीटर. द शैडो ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग स्टिक, जो स्टिक है वो 3 मीटर लॉन्ग है और जो उसका शैडो दैट इज 4 मीटर लॉन्ग. तो आप 4 मीटर राइट कर दीजिए, यहाँ 4 राइट करिएगा. फिर लेंथ कितनी है उसकी? 3 है. शैडो कितनी है सेकेंड वाले की, मतलब फ्लैग स्टॉफ की? दैट इज 24. एंड लेंथ कितनी है उसकी आपको फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको एक्स माना है. बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो 4:3 इसको राइट कर सकते हो, 4/3. प्रोपोर्शन को राइट करो इक्वल टू, दैट इज 24/x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को x से करो, 4 × x इक्वल टू 3 को 24 से करो, 3 × 24. x इक्वल टू 3 × 24 अपान, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट विल बी 4. अब सॉल्व करिए, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 × 6 = 18. 18 मीटर आ गया हमारा. इट इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉफ. सो यू विल राइट दैट हेंस द फ्लैग स्टॉफ इज 18 मीटर टॉल. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ रेसिपी कॉल्स फॉर 1 कप ऑफ मिल्क फॉर एवरी 2 whole 1/2 cups ऑफ फ्लोर टू मेक अ केक दैट वुड फीड 6 persons. पहले इतना स्टेटमेंट समझ लीजिए, 6 persons के लिए केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा दैट विल बी 1 कप ऑफ मिल्क फॉर 2 whole 1/2 cups ऑफ फ्लोर. तो 6 persons के लिए केक बनाने के लिए आपको 1 कप ऑफ मिल्क चाहिए और 2 whole 1/2 cups ऑफ फ्लोर चाहिए. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कप्स ऑफ बोथ फ्लोर एंड मिल्क विल बी नीडेड टू मेक अ सिमिलर केक फॉर 8 people. आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी कप्स ऑफ बोथ, यहाँ पे बोथ की बात करता है, मतलब फ्लोर एंड मिल्क, टोटल कितने कप्स लगेंगे टू मेक अ सिमिलर केक फॉर 8 people. सो स्टूडेंट्स, हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, एट फर्स्ट यू विल फाइंड दैट हाउ मेनी कप्स ऑफ बोथ फ्लोर एंड मिल्क विल बी नीडेड फॉर 6 persons. पहले 6 persons के फाइंड कर लीजिए कि कितना मिक्सचर बनेगा दोनों का. उसके बाद जब 6 persons का पता चल जाएगा तो 8 persons का फाइंड आउट करने के लिए आप प्रोपोर्शन वाला मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिएगा. तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग. वी विल राइट द सॉल्यूशन. वी हैव गिवन दैट मिल्क नीडेड फॉर मेकिंग केक.
milk needed for making cake, that is 1 cup. And after that, flour needed for making cake. तो फ्लोर कितना है? 2 होल 1 अपॉन 2 कप्स. इसको जब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 कप्स आ जाएगा. नाउ यू विल फाइंड देन टोटल अमाउंट नीडेड इक्वल टू 1 कप ऑफ मिल्क एंड 5 अपॉन 2 कप ऑफ फ्लोर. ऐड कर लीजिए. तो यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको आप पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. तो 1 को लिख सकते हो 1 अपॉन 1 और ये हमारा है 5 अपॉन 2, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये आ गया 2 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2. अब ऐड कर लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा न्यूमरेटर ऐड और डिनोमिनेटर सेम रहेगा और कितना आ जाएगा 7 अपॉन 2 कप्स. सो स्टूडेंट्स, 7 अपॉन 2 कप्स ऑफ मिल्क एंड फ्लोर आर नीडेड टू मेक केक फॉर 6 पर्सन्स. हियर वी विल राइट दैट. सो 7 अपॉन 2 कप्स ऑफ मिल्क एंड फ्लोर आर नीडेड टू मेक केक फॉर 6 पर्सन्स. 6 पर्सन्स के लिए अगर हमें केक बनाना है तो हमें 7 अपॉन 2 कप्स ऑफ मिल्क एंड फ्लोर का मिक्सचर चाहिए, जिसमें से 1 कप रहेगा हमारा मिल्क एंड 5.2 कप रहेगा फ्लोर. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस मिक्सचर फॉर 8 पीपल. सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट दैट. अब हमको 8 पीपल का फाइंड आउट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा दैट लेट द नीडेड अमाउंट ऑफ कप्स ऑफ मिल्क एंड फ्लोर टू मेक केक फॉर 8 पर्संस इज एक्स. वी विल राइट दैट लेट द नीडेड अमाउंट ऑफ कप्स ऑफ मिल्क एंड फ्लोर टू मेक केक फॉर 8 पर्संस इज एक्स. सो अब हम प्रोपोर्शन वाला मेथड अप्लाई करेंगे. कप्स इज इन रेशियो विथ पर्संस, प्रोपोर्शन विथ, फिर से हम लिखेंगे कप्स रेशियो विथ पर्संस. तो जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, दैट इज जब हमें 6 पर्संस के लिए बनाना था केक, तो कितना मिक्सचर की रिक्वायरमेंट थी? दैट वॉज 7 अपॉन 2 कप्स. तो हम राइट कर देंगे 7 अपॉन 2 रेशियो विथ, ये 6 पर्संस के लिए था तो हम 6 राइट कर देंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएगा कप्स. अब कितने कप की रिक्वायरमेंट होगी? तो अब हमें पता नहीं है, हम x मान लेते हैं और पर्संस हमको दिया है दैट इज 8 पर्संस, तो हम यहाँ 8 राइट कर देंगे. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा. सॉल्व कैसे करेंगे? 7 अपॉन 2 अपॉन 6 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x अपॉन 8. पहले इसको सॉल्व कर लो आप. 7 अपॉन 2 राइट कर लीजिए, 6 को लिख सकते हो 6 अपॉन 1. और आपको पता है कि जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8. अब ये हम सॉल्व करेंगे, 7 वन जे 7, 2 सिक्स जे 12 इक्वल टू एक्स अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 8 से और 12 को एक्स से, तो 7 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू एक्स. 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12. अब देखिए ये आ गया एक्स इक्वल टू 7 टू जा 14, 14 अपॉन 3. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 बचेगा तो आ जाएगा 2, 4 होल 2 अपॉन 3 कप्स. हेंस द कप्स ऑफ नीडेड फॉर
8 persons each 4 whole 2 upon 3. See the next question. This question is very simple question. In a school, the ratio of the number of large classrooms to small classrooms is 3:4. If the number of small rooms is 20, then find the number of large rooms. आपको जो रेशियो दिया है लार्ज क्लासरूम और स्मॉल क्लासरूम का, दैट इज 3:4. और ये भी आपको दिया है कि अगर स्मॉल क्लासरूम 20 है तो लार्ज क्लासरूम कितने होंगे. आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है. तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे. यू विल राइट द सॉल्यूशन. सो यू हैव गिवन दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम्स टू स्मॉल क्लासरूम्स, दैट इज इक्वल टू 3:4. ये 3:4 दिया है हमको. देन फिर हमको दिया नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स, दैट इज इक्वल टू 20. अब हमको लार्ज क्लासरूम का नंबर फाइंड आउट करना है. अगर यहां से आप थोड़ा सा माइंड लगाओ तो ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो कि 3/4 इक्वल टू, ये 3 किसके लिए है, लार्ज क्लासरूम के लिए, और 4 किसके लिए है, स्मॉल क्लासरूम के लिए. तो स्मॉल क्लासरूम कितना है, 20 है. तो लार्ज क्लासरूम कितना होगा आपको पता नहीं है, तो आप सोचो कि 4 से हमने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, तो 5 से किया तो 20 आया. सिमिलर वे में जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी करते हैं. 3×5=15. देयरफॉर द नंबर ऑफ लार्ज रूम्स आर 15. बट हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिए. लेट द क्लासरूम्स आर मल्टीपल ऑफ एक्स. लेट द क्लासरूम्स आर मल्टीपल ऑफ एक्स. हम लेट कर लेते हैं. सो अगर मल्टीपल्स ऑफ एक्स हैं तो लार्ज क्लासरूम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3:4 है तो पहले लार्ज है, इट मीन्स लार्ज क्लासरूम के लिए क्या आ जाएगा, 3x. एंड स्मॉल क्लासरूम इक्वल टू 4x. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम इज 20, तो स्मॉल क्लासरूम हमने कितना माना है, 4x. तो 4x किसके इक्वल है, 20 के. एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/4, दैट इज 4×1=4, 4×5=20, तो आ जाएगा 5x. की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. अब हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5. और अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम्स. तो हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम्स, दैट इज 3x. तो 3 मल्टीप्लाई विद x की जगह पे क्या आएगा, 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3×5=15. हेंस नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम इज 15. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Here, 3rd, 4th, and 5th questions are given. Read the questions proper way and after that try to solve these questions. And after solving the questions, you can check your answers from here. Thank you for watching and see you in the next video.